नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं आरआरबी जेई की वैकेंसी के निकलने के। जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा भी, ट्विटर पे कैंपेन भी चलाया गया। अभी तो खैर दिवाली का टाइम चल रहा है तो थोड़ी शांति हो गई है, लेकिन फिर से उम्मीद है कि चुनाव से पहले आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन आपका हो सकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आरआरबी जेई के बारे में, जॉब प्रोफाइल, किस तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है और क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरआरबी जेई एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद। तो ये हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड आई रियली होप कि ये जो डिस्कशन हम करने वाले हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस डिस्कशन इज कि आप लोग एटलीस्ट खुद को हल्का सा मोटिवेट कर पाए। एंड देखो, मुझे पता है डीमोटिवेशन बहुत टाइम से आपके दिमाग में आ चुका है आप लोगों, क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, बट अभी चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इन वैकेंसी के आने के लिए। तो उस समय में अगर आप खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है देखने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो यार, आप मोटिवेट किस तरीके से हो सकते हो, और सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है किसी व्यक्ति के लिए? सबसे बड़ा मोटिवेशन किसी व्यक्ति के लिए होता है सैलरी और जॉब प्रोफाइल। तो यार, क्योंकि आप एक चीज़ एक तरीके से अपने दिमाग में इमेज बना लोगे, एक सपना बना लोगे कि यार मुझे इस तरीके की जॉब चाहिए, और फिर उसी को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। और एक समय ऐसा आता है वो आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाती है और आप उस चीज़ को अचीव कर जाते हो। थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन इसे कहते हैं बेसिकली। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, अबाउट द जॉब प्रोफाइल एंड द सैलरी ऑफ द आरआरबी जेई एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो जॉब प्रोफाइल फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमको यहाँ पे दिख रही है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों की ही प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या किस तरीके की प्रोफाइल होती है, क्या कार्य होता है। बेसिकली जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर सेलेक्ट होता है तो उसको क्या काम करना पड़ता है आरआरबी में जाकर? मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग द वैल्यूएबल इक्विपमेंट लाइक ओवरहेड ओएचई एंड सबस्टेशन विच आर इंक्लूड बाय द शिफ्टिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो मतलब जो सबस्टेशन होता है उसकी मेंटेनेंस का काम यहाँ पर होता है जेई का। मेंटेनेंस द इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इक्विपमेंट एंड ट्रैक्शन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी कार्य हो रहा है आपका एक पूरे रेलवे सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर आप लोगों के योग्यता के अनुसार इलेक्ट्रिकल वालों को पोस्ट किया जाता है। बेसिकली मेंटेनिंग द करंट प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको कोई जाके नहीं रिसर्च कर देनी है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, आपको जाकर वहाँ पर जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है उसको मेंटेन करना है, यही सीखना है। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हो यार कि रेलवे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है इंडिया का, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रेलवेज में होती है क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग एंड सेफगार्डिंग द मेन लाइन EMU, मतलब मेन लाइन जो आपकी लगी हुई है इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव से, उसको सेफगार्ड करने की चीज़ें सोचना, ये सब काम आपको करना है। तो इसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात है नहीं। नेक्स्ट बात करें जॉब प्रोफाइल अगर सिविल इंजीनियर की है तो, मेंटेनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बिल्डिंग सच एज एनक्रोचमेंट्स, रेलवे लैंड, स्टाफ क्वार्टर्स, तो स्टाफ क्वार्टर की मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम की देखरेख आपको करनी है। प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन वर्क, देखो यार सिविल के लिए तो बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बेसिकली मान लो कोई नई लाइन डल रही है रेलवे की, तो अगर वो लाइन कौन डालेगा, और सिविल इंजीनियर की निगरानी में ही तो वो कार्य होगा। तो बेसिकली इसी तरीके का काम है जो ड्रीम जॉब आप समझते हैं, देखते हैं एंड समझते हैं। मेंटेनिंग द ब्रिजेस, कंडक्टिंग वर्कशॉप्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है सिविल इंजीनियर के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए टू मेक डिफेक्ट फ्री रोलिंग स्टॉक्स, यस, एंड टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गुड वैगन्स एंड पैसेंजर्स कोचेस। तो पैसेंजर कोचेज को, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि पुराने टाइम में रेल्स बनती थी, लोहे की रेल्स होती थी, और जो डब्बे होते थे, कोचेज होते थे, वो बहुत हैवी होते थे। अभी कुछ टाइम पहले वंदे भारत करके एक ट्रेन आई है, जब वंदे भारत ट्रेन आई है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन वही है। तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, वो स्पीड ज़्यादा होने के बहुत मल्टीपल रीजंस है। पहली चीज़ ये है कि उसका जो कोचेस बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं, एल्यूमिनियम अलॉय से बनाए गए हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट में प्लेन्स बनते हैं, पहली बात तो ये हो गई। तो वो हल्का हो गया, अब सेम इंजन अगर हल्की चीज़ को मूव करा रहा है तो ऑब्वियसली फास्ट चलेगा। दूसरी चीज़, उसका जो आगे का स्ट्रक्चर है वो ऐसा तिकोना स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं एरोफाइल स्ट्रक्चर, एरोफॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है ना।
तो एरोफॉइल स्ट्रक्चर जो होता है आपका, वो जैसा कि आपकी कार्स में होता है, कुछ कार्स होती है बिल्कुल सामने से, थार बिल्कुल सामने से सीधी, कुछ कार्स होती है सिडेन बिल्कुल सामने से ऐसी, तो सिडेन ज्यादा तेज चलने की टेंडेंसी यहाँ पर होती है। उसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन की टेंडेंसी भी तेज चलने की है। ये एरोफॉइल स्ट्रक्चर कहाँ सिखाया जाता है, मैकेनिकल में आपको बताते हैं, बेसिकली उन कोचेस का निर्माण मैकेनिकल इंजीनियर की देखरेख में होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये हमने पूरी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर देखी है। सैलरी की बात कर ले तो काफी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है, 35,400 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द बेसिक अमाउंट, 35,400 इज द बेसिक अमाउंट। इसके ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंस, जैसे ट्रेवल अलाउंस हो गया, आपको डियरेंस अलाउंस हो गया, हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, आपको अगर मान लो कि कोई क्वार्टर्स में रहना है तो वो भी आपको बहुत इजीली और सस्ते प्राइस पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। और रेलवेज में मैंने देखा है जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो रेलवेज में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो रेलवे का पे स्केल ऐसा होता है कि नॉर्मल पे स्केल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब है उसके कंपेरेटिव में रेलवे वाले बच्चों को ज़्यादा पैसा मिलता है। ये मैंने बिल्कुल देखा है इस चीज़ को, और ये होता है, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कशन किया है अबाउट द सैलरी एंड द जॉब प्रोफाइल ऑफ द रेलवे आरआरबी के एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पर इतना समझ लेने के बाद अगर आप प्रिपेयर करने की सोच भी रहे हैं या सोच रहे हैं कि यार हाँ यार अब मुझे प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, तो फिर हम लोग आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं, दिवाली महाधमाका हमारी जो सेल चल रही है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेल, कि 15 नवंबर तक ये है, 15 नवंबर से पहले पहले हमारे सभी कोर्सेज में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मान लो आप एसएससी जेई के कोर्स को परचेज कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, एंड एडिशनल 6 मंथ वैलिडिटी आपको मिलने वाली है 15 नवंबर तक अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताया था कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आरआरबी का सिंगल पैकेज आपको मिल रहा है 2,000 रुपीज़ में इन द ऑफर प्राइस। एंड अगर कॉम्बो ट्राई करना देख रहे हैं आरआरबी प्लस एसएससी जेई, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आरआरबी और एसएससी दोनों की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 2,500 में इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। एसएससी जेई कॉम्बो यहाँ पे कोर्स पीवाईक्यू एमसीक्यू सब कुछ मिल रहा है 2,000 रुपीज़ में। एंड वेरी स्पेशली एसएससी जेई लाइव कोर्स, मतलब जो कोर्स हमारा 20 तारीख से शुरू हो रहा है, एसएससी जेई का लाइव कोर्स लाइव फ्रॉम द ऐप आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं 1,800 रुपीज़ में। जी हाँ दोस्तों, एंड इसी 1,800 में आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएगी विद 6 मंथ एडिशनल वैलिडिटी। किससे पहले? 15 तारीख से पहले पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इसके कुछ और फीचर्स है कि यार आपको सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस आपको बेस्ट फैकल्टीज द्वारा कराया जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने हैं उनको नोट्स मिल जाते हैं, मतलब जो टीचर यहाँ पे लिख रहा है वही नोट्स आपको मिल जाएंगे अपने फ़ोन के ऊपर। लाइव फ्रॉम क्लासरूम एक्सपीरियंस अपने घर पे बैठे बैठे आप ले सकते हैं। एंड क्लासेस जो आपकी है वो ऑनलाइन यहाँ पे होने वाली है, और डिटेल स्केड्यूल और टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जाएगा। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमारे जो CBTs है उनका भी पार्ट आप बन सकते हैं। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मान लीजिए SSC JEE या RRB JEE का पेपर होने वाला है, तो पेपर से पहले पेपर जैसे माहौल में बैठकर आप इन कोर्सेज की सहायता से अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज इन कोर्सेज की सहायता से आपको 10 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं जो कि हमारे जोधपुर, जयपुर, इंदौर, प्रयागराज में बैठकर आप हमारे सेंटर्स पे आके दे सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन कोर्सेज में ज़रूर इनरोल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस में आएंगे। अब तो मेरे इस वीडियो के लिए खैर इतना ही जो हमने डिस्कस किया अबाउट द जॉब प्रोफाइल एंड द सैलरी ऑफ आरआरबी जेई इंजीनियर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।